ऐसा लगता है कि ये जो फीवर है कम्युनिकेबल है, और इसीलिए जो कम्युनिकेबल फीवर होता है उसके या तो वो हाथ से स्प्रेड हो सकता है, गंदे पानी से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो सांस के माध्यम से, खांसी के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो मच्छर के माध्यम से, यही मुख्य माध्यम रहते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है। इन सब माध्यमों पर रोक लगाने के सारे प्रयास हमारी तरफ से किए गए हैं। जो बुखार है इसे बेसिकली पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजन, किसी भी बुखार को शुरू में यही समझा जाता है कोई बुखार है, और उसके फिर विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। अपने गाँव के अंदर लगातार फीवर सर्वे चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर घर पर जाके जाँच की है, और जिन जिन को बुखार है उनको बुखार की तो दवाई दी ही है, उनके टेस्ट भी किए हैं। जो मुख्य बुखार इस समय पर होते हैं वो उनमें मलेरिया, तो मलेरिया के लगभग 350 टेस्ट किए गए हैं। इसी प्रकार से डेंगू के हो सकते हैं, तो डेंगू के टेस्ट किए गए हैं, और तीसरा कोरोना के भी टेस्ट किए गए हैं। घर घर जाकर टीम कोरोना के लगभग सभी लोगों का टेस्ट कर रही है। अगर किसी को बुखार नहीं भी है तो भी हम वेट नहीं कर रहे, उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। सभी की जांच के बाद में अभी तक जो टेस्ट हैं, ना मलेरिया पॉजिटिव आया है, ना कोई डेंगू पॉजिटिव आया है, ना ही कोई कोरोना पॉजिटिव आया है। तो जिस भी बीमारी का कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो जो जनरल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है बुखार की वो चल रही है, और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए चिल्ली गाँव एक छोटा गाँव है, जो कि हमारे यहाँ पर 4 या 5 गाँवों पर एक सब सेंटर बना होता है, तो इस गाँव में कोई सब सेंटर था नहीं, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल टाइप से बनाया गया है जो कैंप के तौर पे काम करेगा। जो आज की परिस्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पे लगातार बच्चों के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बड़ों के जो एडल्ट देखने वाले डॉक्टर, वो ये सब लगाए गए हैं, और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की सुविधा रखी गई है, एम्बुलेंस की सुविधा रखी गई है, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है। रात में जैसे किसी को दिक्कत हुई तो साथ साथ उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। ये सर पता नहीं 15-20 दिन पहले से बुखार आया था बच्चों को, और वो फिर कुछ लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों पे दिखाए थे, वहाँ फिर उन्होंने जब जवाब दे दिया तो फिर लल्लड़ हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ फिर बच्चों एक्सपायर हो गए हैं, 9 बच्चों की जान जा चुकी है, और अब उन्होंने आइसोलेशन सेंटर भी बना दिया है, एम्बुलेंस की सेवा भी 24 घंटे के लिए कर दी गई है, और जैसे भी कोई बच्चे की अगर कोई ज़्यादा तबीयत खराब होती तो तुरंत वहाँ एडमिट कर दिया जाता है, आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, ऑक्सीजन का भी प्रबंध कर दिया गया है। बाकी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। और लंबे समय से ये बीमारी चल रही है? नहीं, लंबे समय से ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। ये बुखार तो एक ऐसी चीज़ है, नॉर्मल चलता रहता है, आता रहता है।